दुर्ग जिला यातायात पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम द्वारा स्कूल बसों की फिटनेस चेक करने का अभियान शुरू किया गया। साथ ही बस के ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान जिले की 75 से ज्यादा स्कूलों की 350 बसों का फिटनेस चेक किया गया। स्कूल सत्र खुलते ही स्कूल बसों की फिटनेस सहित बसों के ड्राइवरों के स्वास्थ्य जांच करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में दुर्ग में स्कूली बसों की फिटनेस चेक करने के लिए आरटीओ और दुर्ग पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जिले की 75 से ज़्यादा स्कूलों को 350 स्कूल बसों की फिटनेस चेकिंग की गई। गौरतलब है कि पूरे 2 साल बाद दुर्ग जिले के लगभग 1737 स्कूल गुलजार हुए हैं, जिसमें जिले भर के सरकारी और सीजी बोर्ड की प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों में 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनमें से कई स्कूल ऐसी है जहां बच्चे स्कूल बस के माध्यम से या अन्य परिवहन सुविधाओं से स्कूल पहुंचते हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग जिले के आरटीओ विभाग और दुर्ग पुलिस की संयुक्त दर्जनों अधिकारियों की टीम ने स्कूल बसों और स्कूली बच्चों को परिवहन करने वाले अन्य वाहनों की आपातकालीन चेकिंग का अभियान चलाया। दुर्ग जिले में भी स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें भिलाई के सेक्टर 6 मैदान में दुर्ग जिले की तमाम स्कूलों के 350 से ज़्यादा बसों की चेकिंग की गई। सड़कों पर चलने वाली तमाम स्कूल बसें गाइडलाइन और नियमों का पालन नहीं करती है, तो ऐसे स्कूल में स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई विशेष पहल की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए चलने वाली स्कूली बसें सुरक्षित है कि नहीं, इसकी जांच की गई। जांच टीम में दर्जन भर से ज़्यादा पुलिस अधिकारी, दर्जन भर ट्रैफिक अधिकारी और 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम सहित आरटीओ के 12 से ज़्यादा अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसमें बसों का रजिस्ट्रेशन, PUC, पॉल्यूशन, फिटनेस रोड टैक्स, GPS हॉर्न, CCTV कैमरा, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना, ये सारी चीज़ों की चेकिंग की गई, जिसमें कुछ बसों में खामियाजा पाया गया, जिसको लेकर चलाने कार्रवाई भी की गई। तो वहीं सभी ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिसमें 45 से ज़्यादा ड्राइवरों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई दी। कुछ लोगों की आंखों में परेशानी थी तो कुछ को BP और शुगर की समस्या थी। इसको लेकर सभी ड्राइवरों को आरटीओ और पुलिस विभाग ने सचेत किया और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जानकारी दी। कुछ बस चालक ने बसों की ड्राइविंग करते हुए ट्रायल भी लिया। इनमें से कुछ ड्राइवरों की ड्राइविंग पाई गई, जिसको लेकर आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर स्थित ड्राइविंग स्कूल में इन सभी स्कूल बसों के ड्राइवरों को रविवार को भेजा जाएगा। इस संबंध में गुरजीत सिंह, ट्रैफिक DSP, संयुक्त जाँच टीम के मुख्य अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग पूरे जिले के जो प्राइवेट स्कूल बसेस हैं, तकरीबन 350 बसों की चेकिंग किए थे। उसमें से 45 ड्राइवर्स में कुछ उनके स्वास्थ्यगत आंखों की और BP शुगर की कुछ परेशानियां थी, जिनके लिए कुछ लोग तो ऑलरेडी दवाई ले रहे थे, कुछ लोग अवेयर नहीं थे कि वो बीमार हैं। तो उनको बताया गया कि आप आगे से नियमित चेक कराएं और अपना इलाज कराएं, और जिनके पास चश्मा लगा है उनको भी चश्मे की व्यवस्था के लिए बोला गया है उनको। अब रही बात जो गाड़ियां अनफिट थी, ऐसे गाड़ियां भी मिली थी कि जो अनफिट थी, उनको 1 हफ्ते की मोहलत देके वापस बुलाया गया था और उनका फिटनेस कराया गया है। उनमें से कुछ गाड़ियों को परमिट वर्मिट का और ये सब का जो RTO रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसमें RTO ने फाइन भी किया था। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल की बस के ड्राइवर्स हैं, इन ड्राइवर्स को हमारा स्टेट लेवल का जो ड्राइविंग स्कूल है रायपुर, नया रायपुर में, वहाँ भेज रहे हैं। और 2 दिन का सभी ड्राइवर्स को जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, सेफ्टी फीचर के हिसाब से, उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। लगातार इस प्राइवेट स्कूल के जो ड्राइवर्स हैं वो छुट्टी दिन में उस इंस्टीट्यूट को हम खुलवा रहे हैं कि संडे को वहाँ छुट्टी होता है, सैटरडे संडे को, तो सैटरडे संडे को वहाँ खुलवा रहे हैं। जिस दिन स्कूल बंद रहता है तो ड्राइवर भी फ्री रहते हैं, तो उनको भेज के हम ट्रेनिंग करा रहे हैं लगातार। कितने ड्राइवर हैं ऐसे अभी तक के? करीबन 150 ड्राइवर को ट्रेनिंग करा चुके हैं। अभी लास्ट सेशन अभी फिर सैटरडे संडे को है, कल परसों में फिर से भेजा जाएगा उनको। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।